हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों को कल का क्लास समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। कल हमने गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण जो स्रोत थे, जो पुरातात्विक स्रोत थे, जो साहित्यिक स्रोत थे, उनके बारे में स्टडी किया था। इसके अलावा हमने गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में स्टडी किया कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे। प्रथम से लेकर के अंतिम तक सभी शासकों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आज हम गुप्त साम्राज्य के और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे, क्योंकि एक बड़ा साम्राज्य है और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए बच्चों, आज भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चा अगर वो पढ़ना चाहे तो इतनी डिटेल्स में क्लासेस आप लोगों को दी जा रही हैं कि आप लोग उसको पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, बेझिझक। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। आज है आपका मेन जो पहला हेडिंग है, राजत्व का सिद्धांत, यानी कि जो गुप्त साम्राज्य था वहाँ पे राजत्व का सिद्धांत कैसा था। तो देख सकते हैं यहाँ पे गुप्त शासकों ने बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण की थी। आपको कल मैंने बताया था कि गुप्त जो शासक हैं इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण की हैं। आपने खास करके जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनको आपने देखा था कि उन्होंने बहुत सारी उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवराज, देवसे और इसके अलावा विक्रमांक, विक्रमादेव और जो है विक्रमादित्य, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, महाभागवत, कुछ इस तरह की बहुत सारी उपाधियाँ उन्होंने धारण की थी। और इस वंश के लगभग सभी शासकों ने कुछ ना कुछ उपाधि धारण की है। तो यहाँ पे इन लोगों ने उपाधियाँ धारण की थी, उसके बारे में हमने कल बहुत अच्छे से स्टडी किया था। कुषाणों के देवपुत्र उपाधि के विपरीत गुप्त शासकों ने स्वयं को देव की उपाधि धारण की, यानी स्वयं को देवता बताया। यानी कि जो कुषाण है उन्होंने खुद को देवपुत्र कहा, यानी कि देवताओं का पुत्र कहा, लेकिन जो गुप्त है ये अपने आप को देवता ही कह देते हैं। यानी कि ये किसी का पुत्र या जो है अनुयायी नहीं कहते या दूत नहीं कहते, बल्कि कहते कि हम ही देवता हैं और आप हमें देवताओं के रूप में पूजिए, या जैसे आप भगवान को मानते हैं उसी तरह से हमें मानिए, कुछ इसी तरह का उम्मीद करते हैं अपनी जनता से और इस तरह की ये उपाधि धारण करते हैं। आगे है बच्चों, केंद्रीय शासन का जो नियंत्रण मौर्य काल में देखने को मिलता है गुप्तों में नहीं था। इस समय शासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी थी। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य था इसमें जो शक्ति थी या ज़्यादातर जो पावर था वो राजा के हाथों में था, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण था, सारी शक्तियाँ केंद्र में स्थित थीं। लेकिन गुप्त साम्राज्य में आप देखेंगे तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण देखने को मिलेगा आपको, यानी कि जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग हाथों में हैं, अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री हैं और वो सारे मंत्री जो है उसको देखते हैं और सबको जो है लगभग एक अच्छा खासा पावर दिया गया है निर्णय लेने का और अपने क्षेत्र के प्रशासन को देखने का। तो यहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण देखा जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सामंत वर्ग का भी उदय होता है। और यहीं आगे चल करके फिर जब गुप्त साम्राज्य का पतन होगा तो विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उभरते हैं। तो जो गुप्त काल है यहाँ पे शासन में शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया गया है। आगे है बच्चों, प्रयाग प्रशस्ति में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है जिसके सदस्य सभेय कहलाते थे, जो विभिन्न विभाग के मंत्री या आमात्य के अधीन था। यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें राज्यसभा का, यानी कि राजा के सभा का उल्लेख मिलता है और उसके जो सदस्य थे वो सभेय कहलाते थे। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो है सदस्य हैं राज्यसभा के और उसके जो सदस्य हैं वो सभेय कहलाते थे और इनके अंतर्गत विभिन्न विभाग हुआ करता था और ये उन विभागों का जो है नियंत्रण रखते थे या उसके प्रशासन को देखते थे। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे पॉइंट ध्यान देंगे। आगे हैं महत्वपूर्ण अधिकारी, यानी कि जो गुप्त काल है इस काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। तो पहला जो अधिकारी है कुमार मात्य है और ये प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी है, यानी कि सबसे उच्च पद का अधिकारी है जिसको कुमारा मात्य कहा जाता था। दूसरा जो अधिकारी है ये विनय स्थित है, यानी कि जो धर्म से संबंधित चीज़ों को देखता है, जो मंदिरों के निर्माण से संबंधित या मंदिरों के कार्य को नियंत्रित करता है। इसके अलावा नैतिक मूल्यों या विधि विधानों का जो देख रेख करता है या नियंत्रण करता है उस अधिकारी को जो है विनय स्थित कहा जाता है। नेक्स्ट है संधि विग्राहक, यानी कि ये जो संधि विग्राहक है ये विदेश मंत्रालय का अधिकारी है या विदेश मंत्रालय को कंट्रोल करता है, यानी कि जो विदेशों से संधियां होती हैं, वार्तालाप होते हैं, विभिन्न तरह की जो संदेशों का आदान प्रदान होता है ये किसके अंडर में होता है या किसके कंट्रोल में है, तो ये विदेश मंत्रालय का अधिकारी है संधि विग्राहक।
नेक्स्ट है महादंड नायक, यानी कि सबसे बड़ा न्यायाधीश जो सबसे ऊपर होता है, जैसे आप देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, ऐसे यहाँ पे जो सबसे बड़ा न्यायाधीश है इसे महादंड नायक कहा गया है। महाछपटलिक यानी कि राजकीय पत्र व्यवहार और आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला, यानी कि जो राजकीय पत्र व्यवहार होते हैं देश विदेशों से और अपने ही साम्राज्य के विभिन्न जगहों से, उन पत्रों पर का मतलब जो है नियंत्रण करता है। इसके अलावा जो भी आय और व्यय होता है उसका भी लेखा जोखा जो करता है या जो नियंत्रण रखता है वो महाछपटलिक कहलाता है। बच्चों ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये फिर से आएंगे कूट में, तो आपको पता होना चाहिए कि किस अधिकारी के अधीन कौन सा विभाग है या उसका क्या कार्य है। आगे है महासेनापति, यानी कि सैनिकों का कमांडर। सबसे बड़ा तो जो कमांडर होता है वो राजा होता है, लेकिन अगर राजा नहीं है तो सबसे बड़ा जो अधिकारी होगा, जो कमांडर होगा सैनिकों का, वो सेनापति होता है शुरू से ही, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पद है ये। आगे है ध्रुवाधिकरण, यानी कि राजस्व विभाग का जो अधिकारी होता है उसको ध्रुवाधिकरण कहा जाता था गुप्त साम्राज्य में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्व विभाग और इसका जो अधिकारी है ये ध्रुवाधिकरण है। नेक्स्ट है बच्चों प्रतिहार। प्रतिहार जो है ये अंतःपुर का रक्षक है। अंतःपुर मीन्स जहाँ पे राजा निवास करते हैं, मीन्स जहाँ पे उनकी रानियाँ निवास करती हैं, उनके बच्चे निवास करते हैं, और इनका जो मेन कक्ष होता है या जो ऐसी जगह जहाँ पे राजा विश्राम करते हैं, अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, ऐसी जगहों को अंतःपुर कहते हैं। और उसका जो रक्षा करता था या जो देखभाल करता था वो प्रतिहार था। और जो महाप्रतिहार था ये पूरे राजमहल की सुरक्षा करता था, यानी कि जो प्रतिहार है वो सिर्फ उन जगहों की सुरक्षा करेगा जहाँ पे महारानियाँ या रानियाँ राजकुमारियाँ उनके बच्चे रहते थे, लेकिन जो महाप्रतिहार है ये पूरे महल की सुरक्षा करेगा, यानी कि महल में जितने लोग हैं उन सब की सुरक्षा का जो दायित्व होता था वो महाप्रतिहार के अधीन होता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। दंडपासिक, पुलिस विभाग को दंडपासिक कहा जाता था, क्योंकि पुलिस विभाग लोगों को पकड़ करके उनको दंड दिया करती थी या उनको कंट्रोल करती थी, तो इसीलिए इसको दंडपासिक कहा गया है। और नेक्स्ट है सॉल्किक, यानी कि व्यापारी ये वस्तुओं पर शुल्क का जो वसूल करते हैं, यानी कि जो व्यापारी हैं और वस्तुओं को खरीदते बेचते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाते हैं, उनसे जो शुल्क को वसूलते हैं, वो अधिकारी जो है सॉल्किक कहलाते थे। और एक और अधिकारी है टिकिन। टिकिन कौन था? ये मार्गपति था, यानी कि मार्ग का निर्माण करना, मार्गों की सुरक्षा करना, मार्गों की देखरेख करना, मार्गों पे जगह जगह पे जो है ऐसे पत्थरों को लगाना जिसमें लिखा हो कि आगे आने वाला जो एक तरीके से कहेंगे स्थान है वो कितने मील दूर है। ये सारे काम जो करता था वो कौन करता था गुप्त साम्राज्य में? वो टिकिन का काम होता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे बढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन, यानी कि जो केंद्रीय प्रशासन था वो कैसा था? तो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया था या जो मेन व्यक्ति था वो राजा था। तो यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया है वो राजा है। इसके अलावा ये जो केंद्रीय प्रशासन है या जो साम्राज्य है ये प्रांतों में बटा हुआ था, और प्रांतों को गुप्त साम्राज्य में भुक्ति देश या अवनी कहा जाता था। भुक्ति देश या अवनी कहा जाता था प्रांतों को। और इसका जो अधिकारी था वो उपरिक था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे, प्रांतों का जो अधिकारी था वो उपरिक था। उपरिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रांत थे ये विषयों पे बटे हुए थे, विषयों में बटे हुए थे, यानी कि गुप्त साम्राज्य में जिलों को विषय कहा जाता था। और जो प्रांत है ये विषयों में बटा हुआ था, यानी कि जिलों में बटा था। और इसका जो अधिकारी था ये विषपति कहलाता था। इसके बाद जो तीसरे स्तर का प्रशासन था वो विधि या वीथि कहलाता था, वर्तमान में जिसको तहसील कहते हैं, कुछ इसी तरह का जो है संरचना थी। इसके बाद का जो आप देखेंगे प्रशासनिक स्तर है वो चौथा स्तर पे आप देखेंगे पेट आता है। पेट में बहुत सारे गांव मिलकर के पेट का निर्माण करते थे, यानी कि कई गांव की इकाई था ये। जैसे आपने देखा था गुप्त साम्राज्य में भी बहुत सारे गांव के इकाई का एक 10 गांव को मिलाकर के इकाई बनती थी, जिसमें एक अधिकारी होते थे जो है स्थानिक और गुप्ता। और यहाँ पे गुप्त साम्राज्य में इस तरह का ब्लॉक स्तर का जो मतलब जो है प्रशासनिक स्तर है ये पेठ कहलाता है, जो बहुत सारे गांव से मिल करके बनी हुई एक बड़ी इकाई है। और सबसे छोटी जो इकाई है प्रशासन की वो गांव है, और गांव का जो मुखिया होता है वो मुखिया यानी कि प्रधान होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हैं जो इसके प्रशासन से संबंधित हैं। न्याय प्रशासन में कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं न्याय प्रशासन से संबंधित? तो इसमें आप देखेंगे स्रोत कौन सी हैं न्याय प्रशासन के गुप्त साम्राज्य में? जो स्रोत हैं वो स्मृतियां हैं, और स्मृतियों में खास करके नारद और बृहस्पति स्मृति है।
तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसके अलावा जो स्मृतियाँ हैं वो मोस्टली जो स्मृतियाँ हैं वो मौर्य साम्राज्य और शुंग साम्राज्य में भी लिखी गई हैं, लेकिन इस काल की जो स्मृतियाँ हैं जहाँ से न्याय किया जाता है वो नारद और बृहस्पति हैं। न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो महादंड नायक कहा जाता था, यानी कि मेन न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था, यानी कि सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता था वो राजा होता था। जैसे वर्तमान में सबसे बड़ा जो न्यायाधीश है वो तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, लेकिन उससे भी बड़ा अगर कहेंगे तो राष्ट्रपति हैं, जो किसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं उसकी सज़ा को। तो न्यायाधीशों से भी ऊपर अगर कोई है तो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ऐसे ही उस समय महादंड नायक सबसे बड़ा न्यायाधीश था, लेकिन उससे भी बड़ा यानी कि सबसे जो बड़ा था वो राजा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे राजा सर्वोच्च अधिकारी था। न्याय और इसके अलावा न्याय का सिंहासन था उस समय, यानी कि जिस पर न्याय बैठ करके किया जाता था उसको धर्मासन कहा जाता था। स्थानीय न्यायालय जो थे इनको प्रतिष्ठित कहा जाता था, और प्रांतों में उपरिक जो है न्याय किया करते थे। जिलों में जो आप देखेंगे बृहस्पति हैं ये न्याय किया करते थे। गांव में मुखिया जो है सुना करता था लोगों की समस्याओं को, उसकी समाधान करने की कोशिश करता था। और इन सभी स्तरों से जब न्याय नहीं मिल पाता था तब लोग राजा के पास पहुंचते थे। आगे हैं व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए अलग न्यायालय होते थे, यानी कि व्यापारियों और व्यवसायियों का अलग न्यायालय होता है। जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ आज भी जो सिविल के मुकदमे हैं वो अलग से सुने जाते हैं, मीन्स कि जो सेवा क्षेत्र के अधिकारी होते हैं, चाहे वो मोस्टली आप देखेंगे जो बॉर्डर्स पे रहने वाले पुलिस हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए अलग से न्यायालय होता है। उनकी सुनवाई उन न्यायालयों में होता है जहाँ पे वो मौलिक अधिकारों और ऐसे चीज़ों के लिए जो है अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं, यानी कि उनके लिए अलग न्याय होता है। कुछ इसी तरह का इस समय है जो है व्यवसायियों का अलग न्यायालय है, और वो न्यायालय पुग कहलाता था। और ये जो पुग होता था ये विभिन्न जातियों के सदस्यों से बना होता था, और दूसरा जो न्यायालय था ये कुल था, ये पुग से छोटा था, ये साधारण परिवार के सदस्यों के द्वारा बना होता था। तो ये व्यवसायियों के न्यायालय थे। प्रमाण के अभाव में दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। मान लीजिए किसी के खिलाफ किसी ने जो है शिकायत दर्ज करी लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे पता चले कि वो जो है दोषी है या नहीं है, यानी कि अपराधी है कि नहीं है। तो ऐसे में न्याय कैसे हो? तो न्याय के लिए यहाँ पे दिव्य परीक्षाएं की जाती थी, यानी कि आप देखेंगे दिव्य परीक्षाओं में जो है अग्नि का, जल का, विष का, तुला का प्रयोग करके न्याय किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे उनके पास कोई सबूत नहीं होता था, और फिर इन विधियों के द्वारा न्याय किया जाता था। फाहियान के अनुसार दंड विधान कठोर नहीं था, यानी कि जो दंड विधान था ये कठोर नहीं था, यानी कि लचीला था। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दंड विधान जो है वो कठोर नहीं था, लचीला था। और मृत्यु दंड नहीं दिए जाते थे, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि नहीं मृत्यु दंड दिए जाते थे, लेकिन फाहियान कहते हैं कि नहीं, गुप्त काल में जो दंड का विधान था वो बहुत कठोर नहीं था, लोगों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। मृत्यु दंड के बदले उन्हें आर्थिक दंड दिया जाता था कि वो पैसे के रूप में हर्जाना दे, जिस व्यक्ति के परिवार को उन्होंने क्षति पहुँचाया उसे आर्थिक रूप से मदद करे, उसकी जो है परेशानियों को दूर करे। तो इस तरह का यहाँ पे विधान था, वही यहाँ पे लिखा है मृत्यु दंड नहीं दिए जाते थे। गुप्त काल में मृत्यु दंड की अपेक्षा आर्थिक दंड ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था। आगे बच्चों सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन आप जानते हैं कि चार वर्णों पर हमारा समाज आधारित था। वैदिक काल से ही हमारे समाज को चार वर्णों पर आधारित कर दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जिसमें सबसे जो प्रतिष्ठित स्थान था वो ब्राह्मणों का था, और सबसे जो निम्न स्थान दिया गया वो शूद्रों को दिया गया। ये स्थिति गुप्त काल में भी बनी हुई है, यानी कि जो थोड़ा बहुत सुधार स्त्रियों और शूद्रों की स्थिति में गुप्त काल में जो है मौर्य काल में हुआ था वो आगे शुंग काल, कण्व काल में फिर से स्थिति खराब हो जाती है, और गुप्त काल में और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ये समाज चार वर्णों में विभाजित है। पहला जो वर्ण है ये ब्राह्मण वर्ण है, और इस काल में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। ब्राह्मणों में भी उपजातियाँ हो गई थी, या ब्राह्मण जातियाँ भी उपजातियों में विभाजित हो गए थे। और ये किस आधार पर हुए थे? तो वेदों के अध्ययन के आधार पर हुए थे, यानी कि जो ब्राह्मण है ये किस आधार से उपजातियों में विभाजित हैं? तो वेदों के अध्ययन के आधार पर ये उपजातियों में विभाजित हो गए हैं, जिसमें आप देखेंगे जो ब्राह्मण चारों वेदों की
अध्ययन करता था या चार वेदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण को चतुर्वेदी कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, अगर कोई ब्राह्मण चार वेदों का अध्ययन करता है या उसे चारों वेदों का ज्ञान है तो उसे चतुर्वेदी कहते थे, यानी कि वो सबसे ऊंचा ब्राह्मण माना जाता था। जैसे आज भी है, आप देखेंगे सोसाइटी में जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो टाइटल लगाते हैं चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, यानी कि उनके जो पूर्वज हैं वो चार वेद, जो चार वेद का ज्ञान रखते थे उन्हें चतुर्वेदी कहा जाता था, जो दो वेदों का ज्ञान रखते थे उन्हें द्विवेदी कहा जाता था, जो तीन वेदों का ज्ञान रखते थे उन्हें त्रिवेदी कहा जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो वहाँ उस समय जो ब्राह्मण थे उनके भी उपविभाजन हो गया था, यानी कि सबसे ऊपर चतुर्वेदी माने जाएंगे, उसके बाद त्रिवेदी, द्विवेदी, यानी कि जो जितना ज़्यादा वेद का नॉलेज रखेगा उसको उतना ही ज़्यादा उच्च स्थान प्राप्त होगा। और जो चतुर्वेदी ब्राह्मण थे ये ज़्यादातर उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाए जाते थे, यानी कि ये क्षेत्र चतुर्वेदी ब्राह्मणों का था। सामवेदी जो ब्राह्मण थे, यानी कि जो वेद हैं वो जो लोग जिन्होंने आप देखेंगे कि यजुर्वेद का अध्ययन किया था, ऐसे ब्राह्मणों को यजुर्वेदी ब्राह्मण कहा जाता था, सामवेदी ब्राह्मण कहा जाता था, सामवेद की अध्ययन करने वाले। और ये भी उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में ही पाए जाते थे सामवेदी भी। यजुर्वेदी ब्राह्मण जो होते थे ये मैसूर, बेलगांव तथा बल्लभी के क्षेत्रों में पाए जाते थे। मैसूर, बेलगांव जो है ये कर्नाटक में है और जो बल्लभी है ये गुजरात में है। इन क्षेत्रों में जो ब्राह्मण पाए जाते थे गुप्त काल में ये यजुर्वेदी ब्राह्मण कहलाते थे। लेकिन ऋग्वेदी ब्राह्मण की चर्चा गुप्त काल में नहीं मिलती है, ये बात ध्यान देने लायक है बच्चों कि गुप्त काल में जो ऋग्वेदी ब्राह्मण है उनकी चर्चा नहीं मिलती है। उत्तरी भारत के में अंतर्वेदी, यानी कि उत्तरी भारत में अंतर्वेदी और राजस्थान में श्रीमाली, इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये वर्ड्स, गुजरात में नागर और अन्य जो नागर हैं ये अन्य ब्राह्मणों से खुद को श्रेष्ठ मानते थे। यानी कि उत्तर भारत में जो अंतर्वेदी ब्राह्मण है, यानी कि मतलब जो है कई वेदों का अध्ययन करने वाले अंतर्वेदी ब्राह्मण, और राजस्थान के श्रीमाली, गुजरात के नागर अन्य ब्राह्मणों से खुद को श्रेष्ठ मानते थे। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे ब्राह्मणों में भी वर्ग विभाजन, उपजातियाँ आ रही हैं और सब एक दूसरे से श्रेष्ठ अपने आप को जो है मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई चतुर्वेदी कहलाना पसंद कर रहा है, कोई द्विवेदी कहलाना पसंद कर रहा है, कोई सामवेदी कहलाना पसंद कर रहा है, तो कोई यजुर्वेदी कहलाना पसंद कर रहा है। और इन देखिए क्षेत्रों में श्रीमाली, नागर और अंतर्वेदी अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने की बात करते हैं। तो यहाँ ब्राह्मणों में भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सोसाइटी का किस तरह से लोगों ने एक तरीके से कहें कि बिल्कुल उसको बर्बाद कर दिया है, या उसकी जो संरचना थी उसको इस तरह से बिगाड़ा है कि ब्राह्मणों में भी लोग अपने आप को श्रेष्ठ दिखा रहे हैं और अपने से जो है लोगों को निम्न समझ रहे हैं। फिर क्षत्रियों में भी यही स्थिति है, वैश्यों में भी कोई उच्च उपजाति का माना जा रहा है, कोई निम्न उपजाति का माना जा रहा है। फिर शूद्रों में भी स्थिति खराब है, यानी कि समाज को चार वर्णों में तो बांट करके पहले ही स्थिति खराब कर दी गई उस समय, उसके बाद उन जातियों को या उन वर्णों को फिर से उपवर्णों में भी बांट करके अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया गया। तो किस तरह समाज को जोड़ने के बजाय उसको और ज़्यादा तोड़ते जा रहे हैं लोग, और ज़्यादा कमजोर करते जा रहे हैं लोग। जिसके हाथ में सत्ता आ रही है, वर्चस्व आ रहा है, वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने में लगा है, समाज को कोई जोड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। और यही सारी वजह है कि हम आगे चल करके इतने सदियों तक गुलाम रहे बारी बारी से बहुत सारे विदेशियों के द्वारा, क्योंकि हमारे समाज में एकता थी ही नहीं। ब्राह्मणों को कहा गया कि आप वेदों का ज्ञान लेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, दान लेंगे, उन्हें शस्त्र चलाने की अनुमति नहीं थी। क्षत्रियों को कहा गया कि सिर्फ वो शस्त्र चलाएंगे, वैश्यों को कहा गया व्यापार करेंगे, कृषि करेंगे, उन्हें भी शस्त्र चलाने की अनुमति नहीं थी। शूद्रों को तो सबसे खराब स्थिति में रखा गया, उन्हें तो फिलहाल कोई भी जो है अच्छी चीज़ें सीखने का या करने की अनुमति नहीं थी। यही वजह है इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद मुट्ठी भर विदेशी हमेशा आए और हमेशा हमें हराते रहे, क्योंकि समाज के सिर्फ एक ही वर्ग को कहा गया कि आप हथियार चलाना सीखेंगे और हथियार चलाएंगे, बाकी तीन वर्णों को अलग अलग काम दे दिया गया, वो हथियार ना चला सकते थे ना सीख सकते थे। तो ऐसे में जब आक्रमण होगा तो युद्ध कैसे करेंगे लोग, यानी कि इतनी जनसंख्या होने के बावजूद लोग जो है प्रशिक्षित ही नहीं है युद्ध करने के लिए, तो फिर हारना तो निश्चित है। आप देखेंगे इजराइल जैसा छोटा सा देश, हर नागरिक वहाँ का
सैनिकों की तरह प्रशिक्षित होता है, जरूरत पड़ने पे हर व्यक्ति हथियार उठा सकता है। लेकिन हमारे देश में इतनी खराब स्थिति थी कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी और समर्थ होने के बावजूद भी समाज में ऐसा विभाजन उपविभाजन हुआ कि पूरे समाज की जो दशा है वो बदल गई। और उसके बाद हम लोगों की या हमारे समाज की जो दुर्दशा हुआ, विदेशियों ने जो हालत की, वो तो आप लोगों से छिपा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो बड़ व्यवस्था है, इसी ने हमें जो है सदियों तक गुलाम बनाया लोगों का। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से हमारे जो समाज में आज भी बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी रूढ़ियाँ व्याप्त हैं। आज भी हम जो है अपने से निम्न जाति के लोगों को गले नहीं लगा पाते या उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जो लोगों को भी कम जानकारी है, वो आज भी उसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं। और ये हर किसी के परिवार में आज भी व्याप्त है। हम इसे जो है पीछा नहीं छुड़ा सकते या हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं है या हमारे परिवार में, हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं है। हर जगह व्याप्त है, हर व्यक्ति उस चीज़ को फेस कर रहा है, लेकिन हम उसे आज भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या है इन सारी चीज़ों में कि हम उसे बाहर नहीं निकल पाए आज तक, जिसकी वजह से हमारे समाज, हमारे देश का ये हालत हो गया। और उन सारी चीज़ों पे हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता कि आखिर हमें इतनी सदियों की गुलामी क्यों झेलनी पड़ी, या हमारे समाज में आज भी सुख शांति, अमन चैन या भाईचारा या प्यार सौहार्द क्यों नहीं है। इस पर हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हम बस चले जा रहे हैं उसी सामाजिक नियम कानूनों में जकड़े हुए। अपने आप को ये जीवन ख़त्म हो जाता, आने वाली पीढ़ी भी उसी से गुजरती, उनकी आने वाली पीढ़ी भी गुजरती है, लेकिन ये समाप्त ही नहीं हो रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कभी कभी धर्म तो धर्म है, जातियाँ उससे भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है या उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ना हम इसे बदल सकते हैं ना तो हम इसे समाप्त कर सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करूँगी आगे समाप्त होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्षत्रियों की स्थिति क्या थी, ये तो आपने ब्राह्मणों को देखा किस तरह से उन्होंने अपने आप को विभाजित किया है, उसमें भी श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है। क्षत्रियों का क्या है, इनका कार्य प्रजा की रक्षा करना है, दान देना है, यज्ञ करना है, वेद पढ़ना है। यानी कि जो क्षत्रिय हैं उनको क्या कहा गया कि आप क्या करेंगे, प्रजा की रक्षा करेंगे और ब्राह्मणों को दान देंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, इसके अलावा यज्ञ करवाएंगे, विधि विधान अनुष्ठानों का निर्माण करेंगे या आयोजन करेंगे। ये सारे कार्य बता दिए गए थे क्षत्रियों के। और मनु के अनुसार, जो मनु हैं वो कहते हैं कि 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। यानी कि अगर कोई छोटा बालक है और कोई 100 साल का बुजुर्ग क्षत्रिय है, तो वो भी जा करके उस 10 साल के बालक का पैर छुएगा, उसे प्रणाम करेगा और उसे अपने पिता के समान दर्जा देगा। यानी कि सोचिए कितनी खराब मानसिकता बना दी गई है हमारी कि किसी की एज का, किसी की उम्र का, किसी की स्थिति का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ इसलिए श्रेष्ठ है कोई व्यक्ति या बालक कि वो ब्राह्मण है, चाहे उसके अंदर योग्यता हो या ना हो। ये लिखा है मनु ने कि जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मणों को अपने पिता समान समझेंगे और चाहे 100 साल के होंगे तो भी 10 साल के ब्राह्मण का जो है पैर छुएंगे और उसका उतना ही आदर सम्मान करेंगे जितना कि वो अपने पिता का करते हैं। ये लिखा है मनु ने। शायद यही वजह कि इन सारी चीज़ों का आज जो है सोसाइटी बहुत ज़्यादा विरोध करती है, अच्छा नहीं मानती है मनु के विधान का, क्योंकि ये मोस्टली आप देखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य था, शुंग काल में लिखा गया है। और ये कहीं ना कहीं इस पर जो ब्राह्मणवादी सोच है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं, लेकिन मोस्टली इसमें शूद्रों के लिए और स्त्रियों के लिए और बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छे विधान नहीं किए गए थे, तो इसलिए लोग आज भी इसकी जो है आप देखेंगे कि आलोचना करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे वैश्य वर्ग की उस समय क्या स्थिति थी, तो अमर कोश में वैश्य के लिए करसण शब्द का प्रयोग किया गया है। अमर सिंह ने अमर कोश लिखा है, जो कि 9 रत्नों में से एक थे, और इन्होंने वैश्यों के लिए करसण शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि करसक शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि जो वैश्य हैं ये कृषि काम करेंगे, ये कृषक कहलाएंगे या इन्हें कृषक ही कहा जाता था अमर कोश के अनुसार। महाभारत में वैश्यों के लिए लोहा, चमड़ा, मद्य बेचना निषिद्ध किया गया था। इनको कहा गया है महाभारत में कि ये लोहा नहीं बेच सकते, चमड़ा नहीं बेच सकते, मदिरा यानी कि मद्य नहीं बेच सकते। ये सारे काम शूद्रों के लिए जो है यहाँ पे एक तरीके से कहेंगे आरक्षित किया गया है। तथा व्यवस्था की गई कि गौ, ब्राह्मण, वर्ण की रक्षा के लिए वैश्य भी हथियार उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था किया गया कि अगर कभी गायों के ऊपर हमला हो या गायों की जान खतरे में हो
तो वैश्य हथियार उठा सकता है। ब्राह्मण कहीं खतरे में हो तो उसे बचाने के लिए वैश्य हथियार उठा सकता है। अगर बड़ व्यवस्था का कहीं से उल्लंघन हो रहा है तो उसकी रक्षा के लिए वैश्य हथियार उठा सकता है। यानी कि गाय ब्राह्मण और बड़ की सुरक्षा के लिए या ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए हथियार उठा सकता है वैश्य, बाकी और किसी चीज़ के लिए वो हथियार नहीं उठा सकता, ये भी कहा गया है। आगे है बच्चों, ह्वेनसांग ने वैश्यों को व्यापारी जाति का माना। पुराणों में पशुपालन, कृषि और व्यापार ये कार्य वैश्यों का बताया गया है। तो अगर आप देखेंगे कि ह्वेनसांग ने क्या कहा है कि जो वैश्य हैं ये व्यापारी जात के हैं, ये व्यापार करते हैं, लेकिन पुराणों में क्या कहा गया, जो वैश्य है वो पशुपालन करेगा, वो कृषि कार्य करेगा, वो व्यापार का काम करेगा, ये सारे काम वैश्यों का बताया गया। यानी कि जितने भी उत्पादन के कार्य हैं वो वैश्य करेंगे ताकि बाकी तीनों वर्णों का भरण पोषण हो सके। तो यहाँ तक आपने देखा बच्चों। नेक्स्ट जो चौथा वर्ण है ये शूद्र है और जिसकी स्थिति तब से लेकर आज तक नहीं सुधरी है या कहीं आज भी खराब है, और भी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है हमें। शूद्र वर्ण में देखेंगे मार्कंडेय पुराण में ही दान देना शूद्रों का भी कार्य बताया गया। यानी कि मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि शूद्र का भी काम है कि वो दान दे, यानी कि दान लेने के लिए शूद्रों को योग्य माना गया है, बाकी चीज़ों के लिए योग्य मानने की किसी की हिम्मत नहीं है या कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया कि शूद्र का भी काम है कि वो दान दे, और वो दान किसको देंगे, ब्राह्मणों को देंगे या ऐसे लोगों को देंगे जो है आप देखेंगे सन्यासी होंगे, साधु होंगे। आगे हैं बच्चों, याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि शूद्र ओंकार के बदले नमः कहते हुए पंच महायज्ञ कर सकते हैं। यहाँ पे भी इन लोगों ने एक नया रास्ता निकाला है। ये कौन है, याज्ञवल्क्य के महाराज हैं, ये कहते हैं कि जो शूद्र हैं ये ओंकार नहीं कह सकते लेकिन नमः शब्द का उच्चारण करते पंच महायज्ञ का अनुष्ठान कर सकते हैं। चूँकि इन्हें यज्ञ कराना है तो यज्ञ कराने के लिए इन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि ओंकार मत बोलिए, नमः बोल करके जो है यज्ञ अनुष्ठान पूरा कर लीजिए। यानी कि जब अपनी ज़रूरत होती है तो लोग कैसे रास्ता निकाल लेते हैं, और ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो लोगों के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए रास्ता निकाला गया है बच्चों। आगे हैं कि पूजा कर सकते हैं, और इसके अलावा शूद्रों को रामायण महाभारत तथा पुराण सुनने का अधिकार है। आप सोच सकते हैं उन धार्मिक ग्रंथों पे शूद्रों का कोई अधिकार नहीं है, वो उन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इस समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है लगभग, उसको समाज से इस तरह से बहिष्कृत कर दिया गया या काट दिया गया कि वो उन धार्मिक ग्रंथों को वो पढ़ भी नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है, और सुनने में ही वो सिर्फ तीन ग्रंथों को सुन सकता है, महाभारत जो कि कहानी की तरह है, रामायण और पुराण, वो इन तीन धार्मिक ग्रंथों को सुन सकता है, बाकी धार्मिक ग्रंथों को सुनने का भी उसका अधिकार नहीं है। सोचिए ये सारे अधिकार छीनने का अधिकार किसने दिया था लोगों को, जो इस तरह से लोगों ने जो है निम्न वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया होगा। तो यहाँ पर ये तीन ग्रंथ सिर्फ सुन सकते हैं बच्चों। एग्जाम में आया हुआ है कि गुप्त काल में जो शूद्र हैं वो क्या सुन सकते हैं, तो ब्राह्मण जो है पुराण सुन सकते हैं, इसके अलावा महाभारत सुन सकते हैं और रामायण सुन सकते हैं, इसके अलावा और कोई ग्रंथ वो नहीं सुन सकते, और पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके इतिहास में क्या किया गया है लोगों के द्वारा, अपनी ही सोसाइटी में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ थीं और उसको ख़त्म करने की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, बल्कि उसको और भी ज़्यादा ख़राब करते जा रहे हैं लोग। अभी आगे चलकर के और भी कितनी विकृतियाँ आने वाली हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही इतिहास में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम आज भी कितने पिछड़े हुए हैं, सदियों से लोग हमसे बाद में आए, हमसे बाद में आज़ाद हुए और हमसे कितने आगे चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादी सोच और ये सारी व्यवस्थाएँ हमें आज भी जकड़े हुए हैं और हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आगे हैं बच्चों, प्रमुख दास यानी कि जो गुप्त काल में दास व्यवस्था थी, बड़े पैमाने पे दास व्यवस्था थी, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण दासों का हम अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। इसमें आप देखेंगे ध्वजाहत दास, वो दास जो युद्ध क्षेत्र में बंदी बनाए जाते हैं, यानी कि दास नहीं कह करके, अगर युद्ध क्षेत्र में किसी राजा से युद्ध होता है और उसके जो सैनिक हैं, जो लोग हैं, वो बंदी बना लिए जाते हैं, वो राजा मार दिया जाता है या हार जाता है, तो उन बंदी बनाए गए लोगों को ला करके दास के रूप में जो है काम कराया जाता था, और ऐसे दासों को ध्वजाहत दास कहा जाता था। तो ये भी कूट में मिलाने के लिए आता है बच्चों, इसलिए ध्यान देंगे। क्रीत दास,
ऐसा व्यक्ति जिसे खरीद करके दास बनाया गया हो उसे क्रीत दास कहा जाता है। अभी तो आप देख रहे हैं मध्यकाल में आप देखेंगे इसका बड़े पैमाने पर प्रचलन होगा। वहाँ पर जितने भी शासक हैं वो अपने पुत्रों की तरह ही दासों को जो है सम्मान देते हैं, स्थान देते हैं। आप देखेंगे मोहम्मद गौरी कहते हैं कि हमारे एक भी पुत्र नहीं है, लेकिन हमारे दास किसी पुत्र से कम नहीं है, हमारे एक इशारे पर ये हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास थे, फिर उनके दास जो है वो इल्तुतमिश थे, फिर उनके दास बलबन थे, जिन लोगों ने एक बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी और शासन किया। तो एक दासों की परंपरा चली थी और फिरोज तुगलक के शासनकाल में तो बहुत ही ज़्यादा दास थे, सबसे ज़्यादा दास थे। तो यहाँ भी देखेंगे दासों का प्रचलन था जो आगे चल करके और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे जो है गृहज दास किसे कहा जाता था, घर में दासी से उत्पन्न दास, यानी कि कोई महिला है जो दासी के रूप में घर में नियुक्त है और मालिक से उस महिला को बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे को भी दास कहा जाता था और ऐसे दास को गृहज दास कहा जाता था। नेक्स्ट जो दास है वो पैतृक दास है, यानी कि किसी बच्चे का पिता जो है वो दास है और एक खानदानी परंपरा चली आ रही है कि उनके परिवार के सारे लोग दास के रूप में ही काम करेंगे, राजा के यहाँ या जमींदार के यहाँ जो भी व्यक्ति होते थे उस समय। तो इसे कहा जाता था पैतृक दास, यानी कि ये पैतृक परंपरा से ही दास हैं और इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हैं वो दास ही बनते रहेंगे। तो इस तरह की भी परंपरा थी, दास व्यवस्था थी गुप्त साम्राज्य में। आगे ही बच्चों स्त्रियाँ, इनकी भी स्थिति देख लेते हैं। स्त्रियों की दशा में सामान्यतः गिरावट आई, यानी कि अब इनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हुई और ख़राब ही होती जा रही है। बाल विवाह का प्रारंभ हुआ, यानी कि गुप्त काल से ही ज़्यादातर जो बाल विवाह है ये बड़े पैमाने पर प्रचलित हो गया। अब बहुत कम एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और बहुत कम एज में वो विधवा हो जाया करती थी और उन्हें फिर से पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी और इसके अलावा उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति नहीं होती थी। उनके साथ काफ़ी आप देखेंगे कि यहाँ पे भेदभाव शुरू हो गया था और यही यानी कि गुप्त साम्राज्य से ही सबसे पहली बार एरड अभिलेख से महिलाओं के सती होने का साक्ष्य मिला है। यानी कि जो सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्रोत है ये एरड अभिलेख है जहाँ सबसे पहले सती होने का साक्ष्य मिला है। तो आप देखेंगे सती प्रथा भी इसी समय में शुरू हो गई है। भानुगुप्त के एरड अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है जिसमें गोपराज जो कि इनके जो है सेनापति थी उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी जो है वो सती हो जाती हैं। आगे हैं फाहयान ने पर्दा प्रथा का प्रचलन बताया। फाहयान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, एक चीनी यात्री थे, इन्होंने बताया कि गुप्त साम्राज्य में पर्दा प्रथा व्याप्त थी, महिलाओं को पर्दा करना पड़ता था, ये जो बुराई भी यहाँ सोसाइटी में आ चुकी थी। इसके अलावा देवदासी प्रथा का भी प्रचलन हो चुका था, ये बहुत ही गंदी प्रथा थी, पता नहीं किसने शुरू की और किस लिए शुरू की। जो लड़कियां होती थी, जो खूबसूरत लड़कियां होती थी, उन्हें बहुत कम एज में ही मंदिरों में भगवान की सेवा करने के लिए रख दिया जाता था, उन्हें परिवार से दूर कर दिया जाता था और उन मंदिरों में वो सेवा करती थी और मंदिरों की साफ सफाई के अलावा वहाँ के जो पुजारी होते थे, जो महंत होते थे, उनकी भी सेवा करनी पड़ती थी। और इतनी विडंबना थी कि अगर उन सामंतों और उन पुजारियों के द्वारा उन लड़कियों से बच्चे हो जाते थे तो उन बच्चों को देवपुत्र कहा जाता था और उन महिलाओं को देवदासी कहा जाता था। तो उसको सोसाइटी बड़े जो है आप देखेंगे कि गौरवपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करती थी कि पुजारी से उत्पन्न बच्चा उस महिला से वो देवपुत्र कहलाएगा और समाज में अगर कहीं जो है किसी महिला दूसरे वर्ण के पुरुष से बच्चा उत्पन्न हो जाए तो उसे जो है आप देखेंगे किस तरह से सोसाइटी से बहिष्कृत कर दिया जाता था और उसे वर्ण व्यवस्था में स्थान नहीं दिया जाता था। यानी कि अगर जो ब्राह्मण हैं, जो पुरोहित हैं, उनके बच्चे पैदा हों किसी महिला से तो उन्हें जो है मंदिर में है तो उनको श्रेष्ठ माना जाएगा, उसको लोग बुराई की नज़र से नहीं देखते हैं, लोग उसका जो है बहिष्कार नहीं करते हैं। सोचिए किस तरह का लोगों की मानसिकता हो गई थी या कितना सोच लोगों का परिवर्तित हो गया था। आज के टाइम में अगर आप सोचेंगे तो सोच कर भी कितना दिमाग डिस्टर्ब होगा कि उस समय ये जो प्रथा थी बहुत ही खराब प्रथा थी, देवदासी प्रथा। ये मंदिरों में सेवा के नाम पर तो लड़कियों को रखा जाता था लेकिन उनका शोषण किया जाता था, उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता था और उनका पूरा जीवन वहाँ के लोगों की सेवा करते जाता था। इनका सोसाइटी में एक ही नाम है, देवदासी। आगे है बच्चों भूमि के प्रकार। जो गुप्त काल में महत्वपूर्ण भूमियां हैं उनके प्रकारों को भी हम देखेंगे, ये भी एग्जाम में आता है कि किस तरह की भूमि में क्या उपजाया जाता था या कौन से भूमि को क्या कहते थे। तो इंपॉर्टेंट है क्षेत्र भूमि, यानी कि ऐसा भूमि
जो राजकीय भूमि हो और जो कृषि योग्य भूमि हो, जहाँ से बड़े पैमाने पर राजा को राजस्व की प्राप्ति होती हो, उसको क्षेत्र भूमि कहा जाता था गुप्त साम्राज्य में। और इसके अलावा जो दूसरी भूमि थी, ये देवमात्रक भूमि थी। और देवमात्रक भूमि मीन्स वर्षा से सिंचित भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो वर्षा प्राप्त करती हो या वर्षा से पानी प्राप्त करने के बाद उत्पादन देती हो, उसको देवमात्रक भूमि कहा जाता था। इसके अलावा वास भूमि, यानी कि ऐसा भूमि जो निवास करने योग्य हो, जहाँ पे लोग निवास कर सके, उसे वास भूमि कहा जाता था। इसके अलावा आदेवमात्रक भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो बिना वर्षा के ही, बिना सिंचाई के ही हमें फसल उत्पादन कर सके, हमें फसल की प्राप्ति हो, उसे अदेवमात्रक कहा जाता था। जैसे नदियों के किनारे है, इन क्षेत्रों में आज भी जो है बिना सिंचाई के ही अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो बिना सिंचाई के या बिना वर्षा के जल के जो खेत या जो जमीन हमें उत्पादन दे, उसे गुप्तकाल में अदेवमात्रक कहा जाता था। आगे है गोचर भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जिसका उपयोग चारागाह के रूप में किया जाता था। प्राचीन काल से ही आप देखेंगे चारागाहों का प्रचलन था, या लोग जो है बड़े पैमाने पे मवेशियों को, पशुओं को पालते थे और चारागाहों में चराते थे, इसके ऊपर भी टैक्स लगते थे और ये गोचर भूमि कहलाती थी। इसके अलावा खिल्य भूमि, खिल्य भूमि मीन्स ऐसी भूमि जिसका कोई उपयोग नहीं होता, जो ऐसे ही पड़े रहते, जिसमें घास फूस जंगल पेड़ पौधे उगे रहते हैं, उसको बंजर भूमि कहा जाता था, जिसको गुप्त काल में खिल्य भूमि कहा जाता था। इसके अलावा नदी मात्रक भूमि, ऐसी भूमियाँ जो नदियों के किनारे पाई जाती थी या नदियों के जल से जिनकी सिंचाई करके खेती की जाती थी, उन्हें नदी मात्रक भूमि कहा जाता था। और लास्ट है ब्रह्मदेय भूमि, ये एग्जाम में बहुत बार आया है कि ब्रह्मदेय भूमि क्या है। तो ब्राह्मणों को उनके जीविकोपार्जन के लिए जो राजा के द्वारा भूमियाँ अनुदान के रूप में या दान के रूप में उन्हें दिया जाता था, इसी को कहा जाता था ब्रह्मदेय भूमि। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे भूमियों के प्रकार आप लोगों को याद होने चाहिए। अब आगे हैं बच्चों विभिन्न प्रकार के कर, कौन कौन से कर थे और वो किस चीज़ों पर लगाए जाते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। तो पहला है भाग या योग कर, और जो भाग और योग कर है इम्पॉर्टेंट है, इसका जो परसेंटेज था 1/4 से लेकर के 1/6 तक था, यानी कि ज़्यादातर जो उत्पादन भाग मीन्स जो भूमि के उत्पादन पर लगने वाला कर था या जो राजा का भाग था, हिस्सा था, इसी को भाग कर कहा जाता था। और ये उत्पादन का 1/4 से लेकर के 1/6 तक हुआ करता था। दूसरा है उद्रंग भूमि या उद्रंग कर, यानी कि अस्थाई काश्तकारों से लिया जाने वाला कर। ऐसे काश्तकार जो अस्थाई थे, यानी कि ऐसे कृषक, ऐसे उत्पादक जो अस्थाई रूप से कृषि किया करते थे, नियमित जो है कर दिया करते थे, इन्हीं को कहा जाता था उद्रंग कर। और उपरिख अस्थाई काश्तकार, यानी कि वो काश्तकार जो अस्थाई रहते थे, कभी उत्पादन करते थे और कभी उत्पादन नहीं करते थे, इनके ऊपर जो टैक्स लगते थे, इसे उपरिख कर कहा जाता था। इसके अलावा सलिकर, यानी कि धार्मिक कर, अगर धार्मिक अनुष्ठान करता है कोई, धार्मिक रूप से जैसे कहीं पूजा पाठ करने जाता है या और कोई भी चीज़ करता है, तो उसके ऊपर भी कर लगाए जाते थे, तो उसको धार्मिक कर कहा जाता था या सलिकर कहा जाता था। और नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिष्टिकर, ये बहुत बार एग्जाम में आया कि बिष्टिकर क्या था, इसको बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उत्पादन करके वस्तुओं के रूप में, अनाज के रूप में, नगद के रूप में टैक्स नहीं दे सकता, तो अपने सेवा के रूप में टैक्स जमा करे, यानी कि जो काश्तकार है वो महीने के कुछ दिन राजा के ज़मीन में फ्री में काम करे, जो बुनकर है वो महीने के कुछ दिन जाकर के राजा के फैक्ट्रियों में उनके लिए बुनाई का काम करे, तो अपने जो है मेहनत का जो योगदान देते हैं, अपने शरीर के द्वारा किए गए जो श्रम का योगदान देते हैं या काम करते हैं, इसी को बेगार कहा जाता है। और उसके बदले में उन्हें कोई जो है पारितोषिक, यानी कि पैसे नहीं मिलते हैं, कोई वेतन नहीं मिलता है, यानी कि वो श्रम के रूप में राजा के यहाँ टैक्स चुकाएंगे, इसी को कहा जाता है विष्टिकर। नेक्स्ट है गुल्म कर, और ये गुल्म कर जो है बुनकरों द्वारा लिया जाने वाला कर है, यानी कि जो बुनकर होते थे, जो समय के शिल्पकार होते थे, जो तरह तरह के सामान बनाया करते थे, उनके ऊपर जो टैक्स लगता था, उसको गुल्म कर कहा जाता था गुप्त साम्राज्य में। आगे कुछ और पॉइंट है बच्चों, गुप्तों के शासन काल में राजा भूमि का मालिक होता था, यानी कि भूमि का मालिक कोई व्यक्ति नहीं होता था बल्कि राजा होता था, और जो भी उत्पादन होता था उसके बदले में उन्हें राजा को टैक्स देना होता था, यानी कि सारी भूमियों का जो राजा होता था वो मालिक होता था, कोई और उसका मालिक नहीं हो सकता था। नेक्स्ट है राजत्व का सबसे बड़ा स्रोत, यानी कि जो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है ये भूमि कर था।
प्राचीन काल से लेकर के जो है आप देखेंगे आधुनिक काल तक जो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होता था, यानी कि राजा के इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत होता था या राजकोष में सबसे ज़्यादा धन जहाँ से आते थे वो भूमि कर हुआ करता था, और ये गुप्तकाल में भी था। कर अनाज के रूप में वसूल किया जाता था, यानी कि ज़्यादातर जो कर थे वो अनाज के रूप में ही लिए जाते थे। मोस्टली राजाओं के शासनकाल में ज़्यादातर कर अनाज के रूप में ही लिए जाते थे। लेकिन एक हिरण्यकर था, और ये जो हिरण्यकर था ये नगद के रूप में लिया जाता था, यानी कि नगद रूप में हिरण्यकर लिए जाते थे। तो ये सारे पॉइंट्स थे बच्चों जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं। एक एक पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसे सीरियसली पढ़ते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको नोट कीजिएगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे तथ्य हैं और ये तथ्य भूलते रहते हैं। इनका एक ही सोल्यूशन है कि इनको बार बार रिवाइज कीजिए, जितनी बार रिविज़न करेंगे उतना ही ये आपके लिए अच्छा होगा या मजबूती से आपके पास होगा, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं बच्चों, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।